Hey there Capricorns, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी मिड मे की रीडिंग है फॉर योर लव लाइफ और इसमें न्यू मून की एनर्जीज इंक्लूड्स तो नहीं हो सकती, बट उसके बाद के इफेक्ट्स जो भी हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे. बट न्यू मून जो है 12 to 13 मई हो चुका है और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में उसके क्या इफ़ेक्ट हुए हैं, क्या रिजल्ट्स आपके आते आपकी लाइफ में आए हैं उसके. बट लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के इस वक्त आपके साथ रेस्ट ऑफ द मंथ जो भी है उसकी क्या एनर्जीज हैं आपकी आपकी लव लाइफ के हवाले से. फर्स्ट कार्ड जो है वो आपका 8 of Cups है और डेफिनेटली आप किसी जो है इमोशनली डिटैच फील करें अपने पार्टनर से इस वक्त और बिल्कुल अलूफ हैं, डिटैच हैं. हो सकता है आप किसी चीज़ से वॉकआउट हो चुके हैं या आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है. जो भी आप करने की कोशिश करते हैं बहुत अरसे से आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है डिसअपॉइंटेड होके. सेवन सोर्ड्स और दो और कार्ड लेंगे यहाँ पर फॉर कैप्रिकॉर्न्स. 10 of Pentacles. ओके, एक और कार्ड लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए. 8 of Swords. ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल. तो डेफिनेटली इस वक्त आप जो है ओके सो कैप्रिकॉर्न्स आप जो है किसी चीज़ से वॉकआउट करके इमोशनली डिटैच हैं. ये आपने टोटली किसी से वॉकआउट कर लिया है किसी रिलेशनशिप से, या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं इन अ बैड लाइक उस तरह से कि आप जो है सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से या फिर इमोशनल डिटैच अगर सेपरेटेड नहीं है तो. और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपके आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, जो इस वक्त आपके लिए चैलेंज हैं कि वो उससे निमटना आपके लिए चैलेंज है. आपके बारे में कोई ऐसी बात की गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है पार्टनर आपके दरमियान जो है कोई फ़ाइट हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के हवाले से कोई ऐसी बात की गई है जिसकी वजह से आप लोगों में कोई फ़ाइट वाली सिचुएशन है. तो यहाँ पर आपको एडवाइस है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में कमिटेड रहें तो जाके आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे जाएगा और आप विक्टोरियसली आगे बढ़ेंगे. हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और हो सकता है कि आप जो है इस रिलेशनशिप के हवाले से कुछ रिकॉग्नाइज़ कर लें आगे जाके, तो आपको जो है एक न्यू वे नज़र आए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का. क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, कुछ भी नहीं सोच पा रहे. आप और आपके पार्टनर जो है वो डिटैच्ड हैं, अलूफ हैं, और चैलेंजेस जो हैं आपके सामने हैं कि आप कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको आपको फ़ेस करना पड़ रहा है और कुछ ऐसी बातें आपके बारे में की गई हैं, किसी ने की हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान जो है कुछ फाइट हुई है. और आप मुझे लगता है कि थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द मंथ जो भी मंथ है अभी, आप उसमें भी उन्हीं मैनिपुलेशंस में रहेंगे. जो भी बातें की गई हैं उनके उन्हीं में रहेंगे आप. उन नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालने में आपको आप नहीं निकल पाएंगे उस नेगेटिविटी से. अगर आप निकल जाते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में कमिटेड रहते हैं तो आप जो है आपको एक नया वे नज़र आ सकता है अपनी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करने का एक नया वे आपको नज़र आ सकता है अगर आप कमिटेड रहते हैं और बिलीव करते हैं अपने पार्टनर पे, या फिर आपका पार्टनर आप पे बिलीव करता है. जो भी ये बातें हुई हैं इनका कोई
वो ऐसी नहीं है जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस तरह की वो सिनेरियो बना हुआ है जो कि नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, वो बातें हुई हुई हैं और आप लोग जो हैं उसकी वजह से एक दूसरे से डिटैच्ड हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आउटकम जो है वो एट ऑफ सोर्ड्स है, तो इसको मैं क्लेरिफाई करती हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज़ दिस एट ऑफ सोर्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। आपको अपनी इस कमिटमेंट में नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना होगा, तो जाके या फिर आप बाउंडेज महसूस करेंगे अपने पार्टनर तक पहुँचने में। हो सकता है ये बातें जो भी हुई हैं उनकी वजह से आप अपने पार्टनर के तक पहुंचने में आपको जो है थोड़ी बाउंडेज महसूस हो रहा हो। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी नज़र आ रही है, सेकंड चांस, रिकन्सिलिएशन, क्लियर, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लियर करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी, तो जाके आप इस कनेक्शन में दोबारा से आ सकते हैं और फिर आपको क्लियर होगा कि आपका पार्टनर जो है और किस हद तक आपके साथ है और इन बातों में किस हद तक हकीकत है। क्लैरिटी चाहिए आपको, यू वांट क्लैरिटी, एस ऑफ पेंटिकल अगेन है यहाँ पर, तो आपको क्लैरिटी चाहिए और जिसकी वजह से आप स्टक हुए हैं, जो क्लैरिटी आपको मिल नहीं पा रही है वो आपको चाहिए। और आप अगर इस कम्युनिकेशन का ओपन रखते हैं, वे कम्युनिकेशन की वे ओपन रखते हैं आप अपने पार्टनर से, तो जाके आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, बातचीत का वे क्लियर हो सकता है। हो सकता है आप नए तरीके से अपने पार्टनर से कुछ इस मसले को सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं, तो जाके ये नेगेटिविटी जो है वो क्लियर आउट हो सकती है और दोनों अंडरनीथ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर के साथ। और ये वैनिश हो सकता है, ये जो भी लाइज और झूठ हैं आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, ये वैनिश हो सकते हैं अगर आप बात करके इसको क्लियर करते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे, मिड मंथ ऑफ मे। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।